बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए। कितना सुख है कि हर बार घर लौटकर आने के लिए बार बार घर से बाहर निकलूंगा। थोड़ी थोड़ी देर में घर आ जाता है। अब मैं बहुत देर बाद घर लौटूंगा। खून निकला है। मुझे तो समझ में आता नहीं बहू, तू देख खून है क्या? रात को पान लाए थे, कफ में पान सुपारी के टुकड़े हैं। आज मैं जब भी घर लौटूंगा तुम मुझे पानी से भरी बाल्टी लिए दिखोगी। और ये पीतल का डब्बा क्या पीतल का कुआं है? पिछले आधे घंटे में तू दो बार घर आ गया, 10 मिनट बाद घर आओगे तो बहू के हाथ में फिर बाल्टी दिखेगी, मैं भी चावल पछोड़ते दिखूंगी। सब्जी लानी है? क्या लाना है? 1 किलो आलू, धनिया, मिर्च, लहसुन पाव भर, बरबट्टी पाव भर, या जो तेरा मन हो। नारियल का तेल भी लाना है। नारियल का तेल या सिगड़ी की जाली या सुराही सब्जी के साथ लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर एक कपूरी पान बना दो। परेशान लगते हो? परेशान नहीं हूं, छुट्टी का दिन है। घर जा रहे हो? कहां जा रहे हो संतू बाबू? मैं घर जा रहा हूं। घर तो पीछे छूट गया। दाढ़ी बनवाओगे? मैं दाढ़ी खुद बनाऊंगा, मैं घर जाने के लिए रुका हुआ हूँ। बस से घर जाओगे? यदि घर यहाँ बस की तरह आए तो मैं तुरंत अंदर चला जाऊंगा। संपत, घर में ऐसे घुसते हुए निकलने का नाम नहीं लेते। मैं घर से बाहर 1 घंटा बिताना चाहता हूँ। घर बंद है क्या? नहीं भाई, अगर अभी तुम घर चले जाओगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, 5 मिनट के लिए बाहर जाना मतलब 5 मिनट के लिए घर का ना होना है। दृश्य का बदल जाना, पलक का झपक जाना होता है, समझे? लौकी कहाँ से लाई? सब्जी बेचने वाली आई थी। अम्मा को मैंने मना किया था मत खरीदो, तुम नाराज हो गए। सफाई मत दो,
अब मुझसे कभी सब्जी लाने को मत कहना। नहीं कहूंगी। कैसे नहीं कहोगी, हजार बार कहोगी। कहे बिना तुम जिंदा थोड़ी रह सकती हो। जिंदा रह सकूंगी। तुम्हारी जगह कोई और होती तो जवाब नहीं देती। मेरी किसी के साथ तुलना मत करो, करो मत तुलना साथ ये किसी। अपने घर लौटने के पहले मुझे अपने शहर लौटना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? कारतूस बीनने। तुम्हारी साड़ी नीचे बिल्कुल गीली है। अभी बदल लेती हूँ। तुम पेटीकोट इस तरह पहनती हो जैसे मैं कमीज पहनता हूँ। पैर डालकर क्यों नहीं पहनते जैसे मैं पतलून पहनता हूँ? सभी इसी तरह पहनते हैं। अगर तुम्हारी तरह पहनूं तो तौलिया लपेटना पड़ेगा। चड्डी पहनना चाहिए जैसे फ्रॉक के नीचे पहनते हैं। पेटीकोट के नीचे चड्डी पहनने की मेरी आदत नहीं। हाफ पैंट में मैट्रिक तक पहना। आज मुझे सब्जी वाली से सब्जी खरीदना बहुत अच्छा लगा। किसी दिन मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगा। अम्मा को घर में अकेला छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा। सो जाओ। तुम्हारे पास सो जाऊं? नहीं यार, मैं दोपहर को सोया था। मैं बाहर से एक चक्कर लगाकर आता हूं। संतू है क्या? पेशाब करने जा रहा है? अम्मा मैं बाहर जा रहा हूं, अभी 10 बजे हैं। तुम बत्ती क्यों नहीं जला लेती? कंदील का उजाला अच्छा लगता है।
वहां कौन? दोस्त संतो बाबू, आप ऐसे ही घूमने चला है। रात में मैंने दफ्तर को कभी नहीं देखा था। अंदर मालखाने में बड़े बाबू नाजिर और दूसरे साहब लोग भी बैठे हुए हैं। सुबह के आए, ये लोग अभी तक घर नहीं गए, रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मीटिंग है। कौन है? संतो बाबू हैं साहब। संतो बाबू? नमस्कार बड़े बाबू। इतनी रात में यहाँ? मुझसे कोई काम है क्या? नींद नहीं आ रही थी, घूमते घूमते इधर आ गया। दफ्तर को देखा तो पास से देखने का मन हुआ, कोई मीटिंग है? नहीं। बड़े बाबू मैं चलूं? संतो बाबू मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, साहब भी बहुत खुश है। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो चलो शराब पियोगे? माल खाने में बढ़िया शराब की बोतलें हैं। बड़े बाबू मैं शराब नहीं पीता। तो गांजा पियो, अफीम खाओ, आखिर परसों तक सब नष्ट कर दी जाएगी। भांग खाओ, चलो। बड़े बाबू मैं नशा नहीं करता। तो जाओ, कल दफ्तर ठीक समय पर आना। मैं दफ्तर समय पर पहुंचता हूँ। बड़े बाबू एक बात कहनी थी। अभी मैं बाहर वाली खिड़की से अंदर झांक रहा था, मेरी टेबल पर एक चूहा फाइलों के बीच घुसा है। चूहे फाइल कुतर डालेंगे। संतो बाबू, माल खाने के पास रहने वाले चूहे या तो अफीम की पिनक में रहते हैं या शराब के नशे में। चूहे शराब की ब्लेडर में छेद कर देते हैं, शराब पूरी जमीन में फैल जाती है। इसकी चर्चा किसी से नहीं करना, और यह भी कि रात में तुमने अपनी टेबल में चूहा देखा था। आओगे कैसे? पैदल? नहीं, रात बहुत हो चुकी है। माल खाने की एक अच्छी साइकिल भिजवाता हूँ, तुम यहीं रहना, समझे ना? तुम जाओ, मैं देखता हूं। शायद मेरे देखने से दिख जाएं। शायद डॉक्टर हैं। अगर उसके हाथ में झाड़ू नहीं होती तो उन्हें मैतर कहना मुश्किल था। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। माले हाँ। डॉक्टर साहब, बीहे के लिए यहां गड्ढा खोदना है। हाँ डॉक्टर साहब, और इसे काटना है। हाँ।
आप पंखे के नीचे बैठ जाइए। अस्पताल कब खुलता है? 8 बजे। 8 तो बज रहे होंगे। आपके साथ कोई बीमार है? क्या तकलीफ है? चक्कर आ रहे। तुमको क्या हुआ है? मैं बीमार नहीं हूं। बरसात शुरू हो गई है। कुछ देर पहले हल्की सी बदली छाई थी। किसे मालूम था कि पानी गिरने लगेगा। अब झड़ी लग गई है। मैं परेशान हूं, इसलिए आपको बीमार लग रहा हूंगा। मैं डॉक्टर साहब का किरायेदार हूं। 5 दिन पहले जो पानी गिरा था, उससे मालूम पड़ा कि पूरा घर टपकता है। घर में पत्नी भी पानी गिरने से परेशान होगी। सामान को हटाकर टपकते पानी से बचा रही होगी। अरे, इतनी दूर है घर। भले आदमी दौड़कर चले क्यों नहीं जाते? डॉक्टर से बात हुई? नहीं हुई। क्यों? बीच में माली आ गया। मैं डॉक्टरनी से बात करूंगी। डॉक्टरनी से बात की? डॉक्टरनी घर के बरामदे में कुर्सी पर बैठी थी। नौकरानी से चावल पछोरवा रही थी। मेरे मुंह से निकला चावल ठीक से पछोर नहीं रही है। तो डॉक्टरनी ने कहा, बहू नौकरानी को बता दो। मैं बतलाने लगी तो डॉक्टरनी ने नौकरानी को 10 काम बता दिए। वो चली गई, मैं चावल पछोरती रही। जब मैंने घर टपकने के बारे में बतलाया तो कहा, डॉक्टर साहब ये सब काम देखते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। डॉक्टर की बहन वहाँ थी? खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। बेचारी को बहुत काम करना पड़ता है। लगता है देर हो गई है। तुमने वहां चाय पी थी? हाँ। डॉक्टर की चाय कैसी थी? अच्छी थी। कब से बैठी हो? अभी थोड़ी देर से। लगता है सुबह 4 बजे से उठ गई। डॉक्टर हैं, मैं जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, बरसात शुरू हो गई है। घर की छत बहुत टपकती है। अचानक पानी। बहुत परेशानी होती है। 2 कमरे ही तो हैं। जी हाँ, बहुत तकलीफ है। जब पानी नहीं गिरता तब तकलीफ नहीं होती होगी? तब तो कोई तकलीफ नहीं होती। गीले खपड़ों से काम नहीं होता। कारीगर ऊपर चढ़ेगा तो गीले खपड़े टूट जाएंगे। धूप खाकर खपड़ों को सूख जाने दीजिए। सूख जाएंगे तो बनवा देंगे। और कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं। मैं जाता हूं। पता नहीं कैसे
चांदनी का ये फूल मेरे तोड़ने से आ गया। इधर आना, साफ है। एक चारपाई की जगह बच गई। चारपाई बिल्कुल नहीं सरकनी चाहिए, मैंने हिसाब से जमा दिया है। कितना अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तुमको अड़चन तो नहीं हो रही है? चारपाई छोटी है तो क्या हुआ, चारपाई में तुम्हारे लिए जो जगह है और दिल में जो जगह है, दोनों को मिलाकर कितनी सारी जगह हो गई। इतनी जोर से तुमको जगह कम लग रही है ना, मैं तुम्हें चारपाई की जगह से दिल की जगह में ला रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दिल की जगह से चारपाई की जगह आ जाऊंगी। चारपाई की जगह के बाद कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी? है एक जगह, वहां भी पानी नहीं टपकता। मुझे तो कोई जगह नहीं दिखती, क्या दूसरे कमरे में है? दूसरा कमरा तो और भी गया बीता है। कहाँ से होगी बताओ? तुम्हारे पास लेते ही मुझे वो जगह मालूम हो गई थी। अच्छा बता दो। इस चारपाई के नीचे। धूप निकल आई। बादल बहुत घने तो नहीं है? बादल तो है, हवा जोर की चल रही है, लगता है छट जाएंगे। पानी पक्का गिरेगा। अब मुझे समझाइए, पानी नहीं गिरता तो क्या होता? बड़े बाबू आप सरकारी क्वार्टर में रहते हैं इसलिए मजे में, मेरे घर की छत बहुत टपकती है।
अरे अरे कहाँ जा रहे हो? क्या काम है? मैं बदना बधे रही हूँ। कब बने रहे? अगले साल। कहाँ बने रहे? कि मोर फसल अच्छा होई बजरंग बली मैं तुला पेड़ा चढ़ाऊँ। कितना चढ़ाए ले? आधा किलो। जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़ा ले, निकल जाओ, सरकारी दफ्तर है। जय पूर्ण पुत्र हमार बजरंग बली भगवान, पार ब्रह्म परमात्मा अंतरामी भगवान जी। साहब ने कहा था बाहर किसी पेड़ नीचे हनुमान जी को स्थापित कर देंगे। जब धूप निकले तब बताना। मैंगू क्या कह रहा था? कुछ नहीं। साहब का कोई संदेश है? नहीं। आप भी बात छिपाने लगे। मेरे लिए ये बात छिपाना या दिखाना ऐसा ही है जैसे आधी बंद और आधी खुली एक अलमारी। एक गिलास जो आधा भरा है वही आधा खाली है। तुमने अभी जो मेरे कान में कहा उसे जोर से सबके सामने कहो। ये हंसने की बात नहीं है, ये दफ्तर है, यहाँ सरकारी काम होता है, सबको शक होता है। जोर से कहो। बूम बूम पानी गिरना बंद हो गया। इसके पहले भी तुमने जो कहा था वो भी जोर से बोल दो। बूम बूम पानी गिरे था बे। मुझे नींद नहीं आ रही है, उजली रात है। परसों पूर्णिमा है। आधी रात को अगर धूप निकल आए तो कैसा लगेगा? मैं समझूंगी सुबह हो गई। पर डॉक्टर असलिया जान जाएंगे कि आधी रात को धूप निकली है। मुझे निंदासी लग रही है। चंद्रमा से खपरे नहीं सूखेंगे। अरे तुमको तो बुखार है। अच्छा नहीं लग रहा है। पैरों में बहुत दर्द है, ठंड लग रही है। धूप में बुखार बढ़ जाएगा। बड़े जोर की ठंड लग रही है। सुनो, खपरे अपन लोग बनवा लेंगे। क्या हुआ, जो अपने पैसे खर्च हो जाएंगे? मैं चल सकता हूँ।
मैं भी चलूं? अकेला चला जाऊंगा, अब तो अच्छा हूं। डॉक्टर के इंजेक्शन ने जादू की तरह काम किया है। आपकी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर की दवाई ने अच्छा काम किया। क्यों हंस रहे हो? बुखार पे आप डॉक्टर को गाली दे रहे थे। क्या मैं गाली दे रहा था? हाँ, बीमार आदमी का कोई बुरा नहीं मानता। आपको होश नहीं था। डॉक्टर साहब भले आदमी, आपसे मैंने पहले भी कहा था। संपत ने मुझे कुछ नहीं बताया। आपके साथ जो था उसका नाम संपत है? जी हाँ, मेरा दोस्त। क्या मैं गाली दे रहा था? मुझे क्या पड़ी जो मैं आपसे झूठ बोलूं? ऐसी बैसी नहीं छाट छाट कर गालियां दे रहे थे। जब डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने लगे तब गुस्से से आपने कहा, साला हरामी डॉक्टर, मार डालेगा, माल ही बचाओ। मेरा दोस्त संपत मेरी जान का दुश्मन हो गया, माल ही बचाओ। मुझे समझ में नहीं आता आपने माली से बचाने की उम्मीद क्यों की। इंजेक्शन के बाद तो बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे थे और आपका दोस्त बार बार डॉक्टर से माफी मांग रहा था। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अनाज अभी मत देना। अच्छा होता आप मेरा नाम बचाने के लिए लेते। आपने मुझे अपना नाम कभी नहीं बताया। मैं डॉक्टर साहब से माफी मांग लूंगा। हाँ, वे आपको जरूर कर देंगे। लेटने की इच्छा हो रही है, चक्कर आ रहा है। संतु बाबू, संतु बाबू, आपकी भाई को बुलाया है। किसने? डॉक्टर जी ने। कुछ काम है? हाँ, जरूरी काम है, भेजता हूँ। तुम्हें डॉक्टर नी भाई ने बुलाया है। खाना परस दो, फिर चली जाऊंगी। खाना मैं परस लूंगा, तुम जाओ, जरूरी काम है। आइए गुप्ता जी। बैठूंगा नहीं, आपकी तबीयत के बारे में सुना था। अब तो ठीक हूं, दफ्तर भी जाने लगा हूं। शहर के बाहर से घूमता आ रहा था, आकाश बिल्कुल साफ है, धान के पौधे निकल आए हैं, पानी का नाम नहीं। दो चार दिन पानी नहीं गिरा तो खेत सूख जाएंगे, बेचारे किसान भूखे मरेंगे। मैंने सुना था आपने डॉक्टर को गालियां दी,
बाद में आपको पछतावा हुआ और डॉक्टर साहब ने आपको माफ कर दिया। आपसे किसने कहा? एक ग्राहक ने। पर डॉक्टर ने बुरा नहीं माना, ये बात आप अपने ग्राहक से कह दीजिएगा। किस ग्राहक ने कहा, ये अब याद थोड़ी है। गुप्ता जी, छोटे किसानों की फसल खराब होती है, बड़े किसान कुआं तालाब से सिंचाई कर अपना धान बचा लेते हैं और बाजार में ये धान अच्छी कीमत में बिकता है, तब आपकी दुकान से मुझे चावल किस भाव से खरीदना होगा? आप खरीदते कहाँ हैं, उधार लेते हैं? उधारी खरीदी नहीं होती? नहीं, खरीदी में रुपए और सामान का लेन देन साथ साथ होता है, उधारी में वसूली होती है। इस बीच मैं बीमार पड़ गया। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी तेल के चार टिन दुकान में आए हैं, आज तो छुट्टी है, अगर आपको जरूरत हो 3-4 बजे आ जाना, और किसी को बताना मत। एक बात और, आप जब भी बीमार पड़े तो डॉक्टर साहब से इलाज कराएं। आप मेरे किराएदार होते और मेरी दुकान से सामान नहीं खरीदते तो क्या ये शराफत होती? आपका किराएदार नहीं, तब भी आपकी दुकान से सामान खरीदता हूँ। खरीदते कहाँ हैं, उधार लेते हैं। तुमने खाना खा लिया? हाँ। चटनी नहीं खाए? मुझे क्या मालूम कि चटनी भी रखी है। यहीं तो रख गई थी। काय के लिए बुलाया था? डॉक्टर की बहन की तबीयत ठीक नहीं है, खाना बनाने को कहती है। चौकी की साड़ी बदलने आई हूँ। यही साड़ी पहनी रहो? ये तो बहुत अच्छी साड़ी है, संभाल कर काम करूँगी, तब भी चौकी का काम ऐसा है एक दिन में खराब हो जाएगी। अच्छा, ये तो फटी है। थोड़ी फटी है, डॉक्टरनी और बहन के सिवाय वहाँ कोई नहीं आता। हाँ। मिट्टी तेल चीज ही ऐसी है, तबीयत ठीक कर देती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था मेरी तबीयत ठीक है। किसी से कहिएगा नहीं? कोई पूछेगा तो कह दूंगा, मूंगफली का तेल है। मेरे जैसा आदमी तो सूंघ कर देखेगा। यहां से सीधे जाने पर आगे कुएं के पास से रास्ता मुड़ता है, फिर नल है, उसके आगे थोड़ी दूर पर गुप्ता जी की दुकान है। आओ, चल रहे हो? मैं काम से निकला हूं, तुमको मिट्टी का तेल चाहिए गुप्ता जी की दुकान से ले लो। छोटा पारा से आया हूँ, वहाँ गुप्ता की दुकान में मिट्टी का तेल मिल रहा है। मिट्टी का तेल 2 रुपया लीटर बिक रहा है, जबकि सरकारी भाव 1 रुपए 20 पैसा है। आप लोग इतने थके हुए होते हैं कि रात में आप लोगों को उजाले की जरूरत नहीं पड़ती। इतना महंगा मिट्टी का तेल खरीद, जितना चावल आप रोज खरीदते हैं,
उतना चावल आप उस दिन खरीद नहीं पाएंगे। कुछ ही दिनों साथ साथ रहने से पति पत्नी का चेहरा भाई बहन के चेहरे की तरह मेल खाने लगता है। व्यवहार से मालूम पड़ता है कि पति पत्नी है। सामान जमाना होगा। अच्छा, शुरुआत तुम्हारी पेटी से करते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी पेटी नहीं दिखलाऊंगी। तुम्हारा सामान तो मैं छूती नहीं। क्या हुआ, देख लेने दो। चाबी कहाँ है? मालूम नहीं चाबी कहाँ है। पेटी में आखिर क्या है, तुम छुपाना क्यों चाहती हो? तुम्हारी जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। मैं जबरदस्ती करता हूँ? हाँ। एक बार और कहो जबरदस्ती। जबरदस्ती। रोना क्यों आ गया? पेटी देख लो। लाओ मैं चाबी निकाल दूं। यही चाबी है। हटो, मैं खोलती हूं। ताला मैं खोलूंगा। लक्ष्मी जी की जय। तुम्हारे पास बहुत रुपए हैं? घर ठीक करने का कलेजा अब मेरे पास नहीं है। तुम्हें एक किस्सा सुनाऊंगा। रामबली पांडे की बहू खूबसूरत थी। सभी लोग उसकी खूबसूरती से परेशान थे। घर भर को उसका उठना बैठना, बोलना चलना, यहां तक कि चुप रहना भी बुरा लगता था। एक दिन उसे जहर देकर मार डाला गया। उन लोगों ने पानी में पतला पतला आटा घोला और कमरे में आंगन में जगह जगह डाल दिया। उसके ऊपर राख डाल दी, जैसे उल्टी के ऊपर डाली जाती है। फिर हल्ला मचा कि बहू हैजे से मर गई। जहर किसने दिया? सास, ससुर या पति? खुद भी तो खा सकती थी। हाँ, पति ने जहर नहीं दिया होगा। यही समझती रहो। वो सुंदर थी, इसलिए विश्वास नहीं होता कि उसके पति ने जहर दिया होगा। तुम मेरी हर बात मान लेती हो। बाहर में जाओ। जो कुछ भी मेरे पास सुख है वो तुम्हारे से है। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती है। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ?
मैं नहीं बताती, तुम बतला। तुम्हें मुझसे डर लगता है? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगा? नहीं लगता। क्या मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा? नहीं निकालोगे। घूमने चलोगी? तुम चले जाओ। तुम्हारे लिए एक अच्छी साड़ी लेने का मन है, हल्के रंग की साड़ी जिसमें छोटे छोटे प्रिंट हो। पहले मैं एक ब्लाउज बनवाऊंगी। आज बाजार जाकर ब्लाउज का कपड़ा खरीद लेते हैं। साड़ी के लायक पैसे तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास तो ब्लाउज के लायक भी पैसे नहीं है। पेटी में से निकाल लो। वे रुपए। तुमको ब्लाउज की जरूरत है या नहीं? नहीं, ये रुपए मैं खर्च करने नहीं दूंगी। ये मेरे रुपए हैं। तुम्हारे रुपए? कुछ पिता ने दिए थे, कुछ भैया ने, थोड़े तुम्हारी जेब से बचा कर रख लिए। अभी जाते समय अम्मा ने 5 रुपए दिए थे। जितने रुपए तुमने मेरी जेब से निकाल कर जमा किए वे मेरे हैं, मुझे दे दो। मुझको याद नहीं। हिसाब कर लेते हैं, तुम्हारे पिता ने कितने रुपए दिए? जब आए थे 5 रुपए, इससे पहले एक बार 2 रुपए, फिर 5 रुपए, और कुछ खर्च भी तो हुए हैं। तुमको तो सब याद है। 5 और 2 7, 7 और 5 12, और अम्मा ने 5 रुपए दिए, हो गए 17। तुम्हारे भाई ने कितने दिए? मुझे याद नहीं। तुम सब रुपए ले लो, मैं ब्लाउज नहीं बनवाऊंगी। मैं तो ब्लाउज का ही जुगाड़ कर रहा हूँ। भैया ने 5 रुपए दिए थे। 17 और 5 22 हुए। चलो 3 रुपए और जोड़ लो, 25 हो गए। तुम्हारे डिब्बे में 35 रुपए हैं, यानी 10 रुपए मेरी जेब के हुए, वही मुझे दे दो। कुछ और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। 3 रुपए में उसे शामिल कर लिया है। क्या हुआ? घर बंद करने के लिए ताला नहीं है। एक ताला है पर उसकी चाबी नहीं है। तुम अपनी पेटी का ताला निकाल लो, उसी को लगा देंगे। पेटी खुली रहेगी। बंद घर के अंदर पेटी खुली रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पेटी में सोने की एक अंगूठी है, उसको पहन लो। ढीली है, उंगली में नहीं होती। हम दोनों एक साथ घर से बाहर जा सकें, इसके लिए एक ताला जरूरी है। चुप हो जाओ, मैं ताला यूं ही बंद कर रहा था। चुप हो जाओ, मत रो। सामने का दरवाजा बंद था पर पीछे का दरवाजा तो खुला था। क्या वो कमीज के नीचे नंगा है? कमीज ऊपर उठाओ। पैंट बहुत गंदी है और कमीज भी। वैसे लड़का साफ लगता है। रंग कुछ साफ है इसलिए। गर्मी में नैनीताल इस लड़के को भी ले जाएंगे। वहां की झील और पहाड़ देखकर डर ना जाए, हफ्ते भर में भागकर गांव चला जाएगा। मुझे इस पर दया आती है। काम करेगा तो कपड़े गंदे होंगे। इसे मत डांटा करिए, बहुत डरा हुआ रहता है। महंगा ग्लास तोड़ दिया बेचारा।
लड़का रात को भाग गया, कमीज छोड़ गया, कमीज धोकर गया। बहुत डरा हुआ था। ये किस आदमी का कपड़ा पहना हुआ है? कपड़ा तो अच्छा है, किसी अच्छे आदमी की कमीज है। मुझे लगता है अपनी नौकर की कमीज इसे नहीं होगी। पहनवा कर देखे, बड़ी ना हो। बड़ी होगी तो मत रखो, दफा करो। मैंगू, इसको कमीज पहनवा कर देखो। बड़े बाबू, दफ्तर में कमीज किसको फिट हो सकती है? साहब की मजाक करने की आदत, कहने को मुझसे ही कह दें। बड़े बाबू, काट छांट कर चर्बी कम करो, कमीज के लायक बनो। कैसी कमीज? मैंने तो नहीं देखी। मैं रोज देखता हूँ। अच्छा ये बताओ, कौन उस कमीज को पहनकर देखना चाहता है? देवांगन बाबू, तुम पहनकर क्यों नहीं देखते? सबको बता दो कि साहब की कमीज पहनने से कोई साहब नहीं होता, और नौकर की कमीज पहनने से नौकर। मैं मानता हूँ, पर मैं तो हमेशा फुलास्तीन की शर्ट पहनता हूँ। राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम बोले बाबू। शाम को लेकर आऊंगा। साहब के बंगले के लिए ये लड़का ठीक नहीं है। बड़े बाबू देखिए, जो लड़का नहा रहा है उसे नौकर की कमीज फिट हो जाएगी। हो तो जाएगी। ओ, कितने सारे लड़के हैं जिनको कमीज फिट हो सकती है? हाँ, बहुत से लड़के हैं। साहब को अभी तक नौकर क्यों नहीं मिला? अच्छा हुआ साहब ने नौकराई के लिए ब्लाउज नहीं बनवाया। बड़े बाबू, मेरा मन साहब के बंगले जाने का नहीं हो रहा है। अरे ये क्या करते हो, तुम तो मेरी छुट्टी कर दोगे। मैं दफ्तर से सीधे घर जाता हूँ, आज देर हो गई। तेरी जान क्यों सूख रही है? चोट तो नहीं लगी बड़े बाबू? मैं आपके साथ चल रहा हूँ। आपको साहब के बंगले जाने में डर तो नहीं लग रहा है? नहीं तो मैं क्यों डरूंगा? आपसे नहीं, मैं तो इस लड़के से कह रहा था। कैसे, क्या काम है? कोई काम नहीं, मैं बरामदे के ऊपर से साइकिल पर चढ़ना चाहता हूँ। मैं ऐसे साइकिल पर नहीं चढ़ सकता, ऊंची जगह से बैठना पड़ता है, मुझे तकलीफ। चाहिए।
आइए बड़े बाबू, मैं रास्ता देख रहा था, मुझे अभी जाना है। मुझे नहीं, कैंटीन के लड़के को कमीज पहननी है। बड़े बाबू ये किसको ले आए? तुम्हारी तो अकल भी मोटी है, ये क्या काम करेगा? मुझे कायदे वाला लड़का चाहिए। भागो भागो यहां से। भागो। महंगो कमीज अंदर ले जाओ। साहब, महंगो संतू बाबू के सामने ऐसे खड़ा है जैसे कमीज संतू बाबू को ही पहननी हो। तो संतू बाबू ही पहन ले। कमीज छोटी ना हो साहब। नहीं होगी। सर मैं कमीज नहीं पहनूंगा, बुशर्ट तो मैं पहने हूं। यहां तमाशा मत करो, गैरेज ले जाओ। बहुत अच्छे संतू बाबू, वाह, बहुत देर लगा दी। अब तुम घर जाओ, कल सुबह सीधे यहीं आ जाना, दफ्तर मत जाना।